हल्द्वानी में कमिश्नर दीपक रावत ने वन भूलपुरा क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलीथीन की एक गोदाम में छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह भी उनके साथ मौजूद रही। ख्वाजा मस्जिद के पास किदबई नगर में भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन पकड़ी गई है। इस दौरान कमिश्नर दीपक रावत ने कार्रवाई करते हुए निर्देश दिए हैं कि शहर में किसी भी तरह से प्रतिबंधित पॉलीथीन की बिक्री न की जाए। जो भी इसका इस्तेमाल करता है और तो उसके खिलाफ में चालानी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जहाँ भी ऐसे गोदाम पाए जाते हैं उन गोदामों पर छापेमारी की जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे गोदाम ऑपरेट हो रहा है, इस बीच डायरेक्शंस जीएसटी को भी हुए थे कि वो रास्ते में जिन गाड़ियों से माल आ रहा है उनको चेक करें। हर महीने 3-4 लाख के फाइंस वहाँ से भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आ रहा है। उधम सिंह नगर में इससे पहले 5-6 फैक्ट्रीज को भी सीज़ किया गया जो इनका उत्पादन कर रहे थे, लेकिन आज पाया गया कि यहाँ पे और इस तरह का उत्पादन जो उधम सिंह नगर की कुछ फैक्ट्रीज से आ रहा है वो यहाँ पे प्रतिबंधित था और यहाँ पे मिला। इन सबको सील किया गया। इस गोदाम को भी अभी सारे सामान को नगर निगम जब्त कर लेगी। जो फाइन है वो इस पर लगाया जाएगा।